हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट रिव्यू मेरे हैशटैग शॉर्ट रिव्यू सेगमेंट में। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी शुगर ग्रैंड फिनाले मैट सेटिंग फेस मिस्ट का रिव्यू। और ये एक सेटिंग स्प्रे है, ये मॉइस्चराइजिंग है, एट द सेम टाइम ये मैट फिनिश देता है। इसमें कई सारे ड्यूवी वेरिएंट्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको एक ड्यूवी फिनिश मिलेगा और ये वाला मैट फिनिश वाला है। सो अगर आपको कोई ड्यूवी ग्लोई फिनिश वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे पसंद है तो आप वो वेरियंट भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मैट फिनिशर्स ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि अगर मैं ड्यूवी सेटिंग स्प्रेज अप्लाई करती हूँ तो माई फेस टेंड्स टू लुक वेरी ऑयली एंड ग्रीजी। सो I always go for matte setting sprays और ये वाला बिल्कुल matte है, so I picked this one up। So मैं इसके बारे में review share करने जा रही हूँ। First of all, let me talk about the packaging। ये matte black packaging में आता है, which looks so classy and very minimal packaging। इस तरह के plastic spray bottle में आता है। Quantities क्वाइट लेस, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 50 ml का क्वान्टिटी मिलेगा एंड द प्राइस इज अराउंड 650 और समथिंग लाइक दैट। मैंने अमेजन से परचेज किया है, सो इसके परचेजिंग लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके ऊपर इस तरीके का एक छोटा सा कैप आता है और यहाँ पर एक नोजल है। तो इसका जो स्प्रे है ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो इवनली आपके फेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी अगर आप स्प्रे करोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो मैं स्प्रे करके एक बार दिखा देती हूँ। वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट हैव एनी हार्श फ्रेग्रेंस। तो अगर आपको सेटिंग स्प्रेज में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, या फिर इन जनरल इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्रेग्रेंसेस और आपको हेडेक आ जाती है, देन यू कैन ट्राई दिस वन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है और ये इवनली आपके फेस पर स्प्रेड हो जाता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड मैंने अपने स्पेशल डे पर भी इसे इस्तेमाल किया था, उसका भी व्लॉग मैं बहुत ही जल्द शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। दैट्स अ ह्यूज सरप्राइज फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर्स। तो उस दिन भी मैंने इसी सेटिंग स्प्रे को इस्तेमाल किया था। तो अगर आप सबने गेस कर लिया है कि मैं कौन से स्पेशल डे के बारे में बात कर रही हूँ, देन डू कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप कोई अच्छा सा सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हैं और अगर आपके पास बजट है इसका, क्योंकि ये 650 या 600 अराउंड आपको मिल जाएगी अमेजन पे, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। ये आई थिंक मैंने मैक का जो हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे है वो भी इस्तेमाल किया था, उससे बेटर तो मुझे ये लगा, बिकॉज मुझे मैट सेटिंग स्प्रे अच्छा लगता है। वो हाइड्रेटिंग मिस्ट था और ये एकदम मैट है। तो अगर आपको मैट सेटिंग स्प्रे अच्छे लगते हैं देन यू कैन गो फॉर दिस वन। अगर आपको ड्यूई सेटिंग स्प्रे अच्छे लगते हैं तो इसका जो ड्यूई वेरियंट है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। So that's it for today's video। Video पसंद आए video को like करें, share करें and don't forget to subscribe to my channel। और हाँ, अगर आपके budget में ये नहीं आ रहा है then I would say just go for Swiss Beauty Makeup Fixer। Swiss Beauty Makeup Fixer is also really good, affordable and at the same time effective। But उससे better तो ये मुझे लगा, क्योंकि उसमें alcohol का strong fragrance आता है, इसमें वो fragrance भी नहीं है और ये ज़्यादा देर तक आपके makeup को last करता है और sweating का जो problem है ना उसे भी काफ़ी हद तक reduce करता है। तो इसी वजह से मुझे ये पसंद आया है इतना ज़्यादा। और अभी मॉनसून एंड समर सीजन में स्वेटिंग का प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं। मेकअप अप्लाई करने के बाद अगर स्वेट हो जाता है ना तो मेकअप पोर्स में क्लॉग्ड रह जाता है, उससे कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स प्रॉब्लम होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्वेट प्रॉब्लम मैंने इसे ट्राई किया था एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। ये आपके स्वेटिंग के प्रॉब्लम को काफ़ी रिड्यूस कर देगा व्हेन यू स्प्रे दिस मेकअप फिक्सर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट forget to subscribe to my channel। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।